Hello everyone, I am Vipul, I am the owner of Sun Moon Soul. Good morning. So, यहाँ पर बारिश चालू है अभी, बारिश का सीजन है and we have a tea. This is the last sip I am taking with you. चाय जो है लगभग दिन में 8 से 10 बार मैं पी लेता हूँ. एंड पीपल सेड कि भाई एसिडिटी हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, बट एक्चुअली कुछ नहीं होता, किसी भी चीज़ से कुछ नहीं होता. और आज का जो टॉपिक है वो उसी के रिगार्डिंग मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, और वो है बिलीफ सिस्टम. अभी बीच में मैंने एक पागल को देखा था रास्ते पर चलते हुए, एंड अभी यू नो दैट कि जो टाइम चल रहा है हमें बहुत सेफ्टी सिक्योरिटी रखनी पड़ रही है. गंदे में ये चल रहा है, पता नहीं नहाया भी कितने दिनों से, होगा नहीं होगा वी डोंट नो. और उसके बाल पूरे थे सर पे, और जो बियर्ड्स के बाल थे सब, मतलब इतने काले बाल थे. ओके, अब वो कोई भी केयर नहीं कर रहा होगा, डाइट भी नहीं फॉलो कर रहा होगा, कुछ भी नहीं, बट फिर भी एंड ना ही कुछ इसको फिक्र चिंता या कुछ भी नहीं है. सो यहाँ पर एक चीज़ सोचने वाली ये हो जाती है कि हमारी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है वो हमारे बिलीफ्स की वजह से हो रहा है. अब ये बिलीफ होती क्या है? बिलीफ का मतलब है मान्यता. ये मान्यताएं अलग अलग होती है. आप कौन से संप्रदाय से आ रहे हो, कौन से सिटी से आ रहे हो, कौन से कंट्री से आ रहे हो, कौन सी फैमिली से आ रहे हो, आप क्या पढ़े हुए हो, आपके लाइफ में आपने जो भी किया वो नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस वो आपका बिलीफ है. ओके, सो यहाँ पर आपकी बिलीफ जो भी है वही आपकी ज़िंदगी बना रही है, और वो जो बिलीफ आपने क्रिएट करी है वो ही नीचे जाएगी आपकी डाउनलाइन, यानी कि आपके चाइल्ड के अंदर, और वो जो बनता है वो पूरा का पूरा वो फैमिली का ट्री बनता चला जाता है. वो बिलीफ्स ऐसे ही डेवलप होती जाती है. एंड दिस इज़ द रीज़न कि हम देखते हैं कि भाई गरीब गरीब ही रहता है, अमीर अमीर रहता है. रीज़न क्या है? यहाँ पर सिर्फ गरीबी अमीरी का बात नहीं है, नॉलेज का भी बात है, हर जगह की बात है. ये बिलीव्स के ऊपर आधारित है. तो अगर आपको कुछ भी चेंजेस चाहिए खुद की लाइफ में, आपके बच्चों के लाइफ में, आपके पेरेंट्स के लाइफ में, सो खुद के ऊपर बिलीव सिस्टम के ऊपर काम करो. बिलीव का जो बैरामीटर है वो चार चीज़ों पर आप देखो, मैंने आगे एक वीडियो में बताया हुआ है. चार जो रिक्वायरमेंट्स क्या है हमारी, फिजिकल बॉडी हेल्दी चाहिए, मेंटल पीस चाहिए, जो रिश्ते हैं हमारे या तो सोशल नेटवर्क है वो सही सही चाहिए, और पैसा चाहिए. ये चार चीज़ मटेरियल वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट है. उसके आगे की जो रिक्वायरमेंट है वो है स्पिरिचुअल रिक्वायरमेंट. स्पिरिचुअलिटी जहाँ पर है वहाँ पर ये सब चीज़ों की ज़रूरत है भी नहीं वैसे आपको. सो यहाँ पर आपको इन चीज़ों के लिए आपकी मान्यताएं क्या बनी है आपकी ये लाइफ में वो आपको देखना पड़ेगा. और हम देखते हैं कि बच्चे जब छोटे होते हैं तभी से हम उसको कुछ ना कुछ डाउनलोड करते रहते हैं. चॉकलेट मत खा, सर्दी हो जाएगी, ये मत खा, वो, तो उसके माइंड में एक चीज़ बैठती चली जाती है कि भाई ये खाने से कोल्ड होता है, ये पीने से ये होता है. वो बड़े होते होते भी हम देखते हैं कि लोगों के अंदर कुछ चीज़ों को लेकर के एलर्जीज हो जाती है, और या तो प्रॉब्लम्स होते हैं. वाई इट इज़ हैपनिंग? बिकॉज उसके अंदर उसकी बिलीफ में वो बीमारियाँ बैठ चुकी है. वहाँ से उसको डिलीट करने के लिए आप क्या करोगे? यू हैव टू डू द हीलिंग वर्क. हीलिंग जो है वो कल्टीवेट करता है हर एक चीज़ को, जितना भी पुराना है सरफेस पर लाएगा, सरफेस पे वो रिमूव करेगा. सो फाइनेंशियल प्रॉब्लम का भी जो बीज है वो है बिलीफ्स, कि आपके अंदर बचपन में आपने जो भी कुछ देखा है आपके पेरेंट्स की लाइफ में वो चीज़ आप अभी भी फेस कर रहे होंगे अगर आपने उसको नहीं निकाला है. सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन है. और बहुत बार मैं बोल चुका हूँ कि पास्ट को रिलीज़ किए बगैर प्रेजेंट सही नहीं होगा, और प्रेजेंट को सही किए बगैर फ्यूचर बन नहीं सकता. तो आप कुछ भी कर लो, फ्यूचर को सही करना है, प्रेजेंट पर वर्क करो. प्रेजेंट पर वर्क करने का मतलब ये है कि आपकी ये जो मैंने चार कैटेगरीज बताई उसकी बिलीफ्स के ऊपर काम करना चालू करो. जस्ट डू द सेल्फ ऑब्जर्वेशन, सेल्फ काउंसिलिंग, आपको किसी और की ज़रूरत है ही नहीं. डू योर सेल्फ वर्क एंड जस्ट राइट डाउन के कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, किसको क्या हील करने की ज़रूरत है, चेंज करने की ज़रूरत है. अब इसको चेंज करोगे कैसे?
सो हीलिंग इज देयर। हीलिंग तो मैंने बताया वो हायर लेवल का प्रोसेस है। खुद काम करना है तो खुद के ऊपर काम ऐसे करो कि सपोज जैसे मैंने अभी चाय का एक एग्जांपल दिया, अगर आपकी बिलीफ ऐसी बैठ रही है कि भी ये पीने से एसिडिटी हो जाती है जैसे, तो वो जब भी थॉट आए तो उस थॉट का काउंटर करो, उसको काउंटर करके उसके ऑपोजिट का कुछ डाउनलोड करो। अब ये रातों रात हो जाने वाला नहीं है, एक दिन में उसको थोड़ा टाइम दो, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, वट एवर इट इज, बट आफ्टर दैट यू विल सी दैट कि आप 15 चाय पी जाओगे और शरीर में कुछ नहीं होगा। सिर्फ चाय की बात नहीं है, हर जगह पर कोई भी बीमारियाँ, या तो बीमारी का मतलब ये है कि हर चीज़ बीमारी है, आपके रिश्ते बिगड़े हुए वो भी बीमारी, पैसे का प्रॉब्लम वो भी बीमारी है, दिमाग हिला हुआ है मानसिक बीमारी, तो हर जगह पर बीमारियां ही बीमारियां है। और वो बीमारियां है क्यों? बिकॉज ऑफ योर बिलीव्स। सो उसको चेंज करो, काउंटर करो, रिमोल्ड करो, एंड आफ्टर दैट वर्किंग यू विल सी सम चेंजेस इन योर लाइफ, और आपके सराउंडिंग बदलता जाएगा। अब आप कौन से सराउंडिंग में बैठे हुए हो उनकी बिलीव्स ही आपके ऊपर काम करेगी ही। सो दैट्स वाई सोशल नेटवर्क इम्पोर्टेंट होता है। अब सपोज हमारा जो सोशल नेटवर्क होता है सेलिब्रिटीज़ का अलग होता है। क्यों? क्यों हमारे सोशल नेटवर्क में सेलिब्रिटीज़ नहीं होते? बिकॉज ऑफ द बिलीफ, कि वो जो बिलीफ बनी हुई है वैसे ही लोग आपके सराउंडिंग में हो गए। जब हम स्पिरिचुअल काम करने लगते हैं तो हमारे सर्कल में स्पिरिचुअल लोग ही आते हैं और स्पिरिचुअलिटी की ही बातें होती रहती है, मेडिटेशंस, मोटिवेशंस, एम्पावरमेंट की ही बातें होती रहती है। सो ये जो सब पार्ट है वो बिलीफ्स के ऊपर है। यू कैन वर्क ऑन दैट पोर्शन, और कोई भी चीज़ को आप वहाँ से डिलीट कर सकते हो, रिपेयर कर सकते हो, रिमोल्ड कर सकते हो, एंड यू कैन ग्रो इन योर लाइफ। डिवाइन ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू।